जाने मेरा रंग दिया तेरे इश्क ने यू हो गया मैं तू ही तू रंग तूने कैसा है चाहाया सुन यारा सुन यारा। रोशनी तुम्हारा तलाल के बारे में क्या ख्याल है? दिखने में तो अच्छे ही लगते हैं। आप लोग की मोहब्बत कभी कभी जिंदगी में परेशानियां और उलझाव ही रखती है। मैं समझी नहीं, आप किस परेशानी और उलझन की बात कर रहे हैं? शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। जैसे तुम ठीक हो जाओगे। नहीं, जिस चीज में तुम सबकी खुशी है उसी में मैं खुश। अब तो लाला रुख की शादी हो गई, बच्चा हो गया, ना कोई आस ना कोई उम्मीद, फिर भी कैसा नहीं हो सकता कि हमारी शादी कुछ टाइम के लिए रुक जाए। लाला लाली ये बहुत हैवी है दादू, मैं इतना हैवी जोड़ा कब पहनती हूँ? अरे अच्छा लगेगा, पहन लो। हाँ, ब्याही हुई लड़कियों को वैसे भी ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं। अबे लाली इतने प्यार से लेकर आई है ना? और ये हडराम पकड़ो, इसको लगाओ हैंगर में, चलो। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है वैसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपको भी फुर्सत मिल गई हमारे पास आने की? अम्मी मेरे पास फुर्सत ही फुर्सत है, आप बिजी हैं अपनी ये शॉपिंग वगैरह में। अच्छा, मैं कह रही थी कि मुझे शैला के घर जाना है और आमना आपा को भी, तो हमें ले चलोगे ना? तो अम्मी ये खुरम किस मर्ज की दवा है, इसे ले जाए ना। मैं तो हर मर्ज की दवा हूँ, कहने को सर्जन साहब आप हैं, लेकिन सबकी मसीहाई मुझे करनी पड़ती है। तुम्हें आज बड़ी गर्मी चढ़ी हुई। वैसे गर्मी मुझे निकालना अच्छे से आती है। सुने यारा, सुने यारा, तेरे इश्क दा चोला पाया। गर्मी तो चढ़ेगी ना बेचारे को, सुबह से बेचारा शादी के कार्ड्स बांट के जो अब पहुंचा है। ना सिर्फ कार्ड बल्कि माइयों की सारी तैयारियां किसने करवाई? मैंने। शॉपिंग किसने करवाई? मैंने। और ये हिना का दर्जी, उसकी शक्ल देख देख के ना तकलीफ होती है मुझे, दिल चाहता है उसे मार दूं या खुद को। तो भाई होने का हक तुमने कब अदा करना है? भाई होने के सारे हक तो मुझे ही अदा करने हैं। यार प्लीज मुझे कोई चाय पिला दो। रोशनी तुम ऐसा करो, उसको चाय बना ही दो, अगर तुमने अभी नहीं बना के दी ना तो ये अगले पिछले सारे हिसाब किताब पूरे कर लेगा, और वैसे भी मेरे भाई से भी बड़े सारे काम करवाने ना हमने। बिल्कुल लाई चाय बना के, आप सबके लिए लेकर आती हूं। सुनो एक कब मेरे लिए भी जरा स्ट्रॉन्ग। हाँ अब तो चाय जरूर बनेगी, वो भी दिल से। तुम बाज ना आ रहे अपने दिल के पोड़े फोड़ने से। अच्छा बताओ ना तलाल, मुझे और आमना आपा को लेके चलोगे ना? भाई लाली को तो फुर्सत ही नहीं है, एक पाँव इसका इधर है और एक बाजार में है, तो तुम हमें ले चलो ना शैला के घर, मुझे और आमना आपा को। अम्मी एक्चुअली मुझे अपने एक बहुत पुराने दोस्त को एयरपोर्ट से लेने जाना है, यहीं पे रहेगा वो। कौन आ रहा है? मुस्तफा अम्मी, वही जिससे लाली बहुत चिढ़ा करती थी। बड़े अरसे बाद आ रहा है वो। सुनो लाली, मेरे कमरे की सफाई करवा देना उसके लिए। जी नहीं बिल्कुल नहीं, आपका कमरा मैं मेहनत से साफ करूंगी, वो जो आपका दोस्त आ रहा है ना, दो मिनट नहीं लगाने उसने पूरा कमरा उखाड़ने में, मैं नहीं करी। अच्छा अम्मा ये मुझे दे दे, सिर्फ पकड़ा है आपके कमरे में रख के आऊं मैं। आज कराची का मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है। हाँ शायद तुम्हारे आने की खुशी में। चलो किसी ने तो खुलकर खुशी का इजहार किया। तुम्हारे ख्याल में मुझे अपनी खुशी का इजहार करने के लिए तुम्हें अपने कंधे पे उठा के सिकंदर विला लेके जाना चाहिए। अब तुम्हारे जैसे सोफिस्टिकेटेड आदमी से मैं इस तरह की एक्सपेक्टेशंस तो नहीं रख सकता।
वैसे घर में सब बहुत खुश है तुम्हारा कराची आने का। सर सब में कौन कौन शामिल है? सारे घर वाले, खास तौर पे खुरम, उसको तो बातें बिगाड़ने के लिए कोई पार्टनर चाहिए होता ना हर वक्त। वैसे बीजान भी साथ आती तो बहुत अच्छा है। हाँ शायद शादी के दिनों में आ जाए। बानो, लाली का कहीं नजर नहीं आ रही मुझे। वो अयान बाबा को नहला रहे। ओके, नहीं मैं कर दूँ। डस्टिंग कर दी थी आपने? जी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। आप कतन मुझसे ना वाकिफ होंगी, मैं अपना तारुफ खुद ही करवा देता हूँ। पहले मैं यहाँ रहता होता था, फिर मैं यहाँ से चला गया, फिर मैं पाकिस्तान से ही चला गया, लंदन में होता था मैं। और जब मैं यहाँ से गया था ना, उस वक्त तक ये मौसूफ जो हैं वो कमारे होते थे और दूर दूर तक इनकी शादी का कोई चांस नहीं था। लेकिन वो क्या कहते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत, आपसे मिलके ना इनके देर का जवाब समझ में आ गया। तैफी ये मेरी हमारा भी सिर्फ निकाह हुआ है। ओ तुम भी ना बिना सोचे समझे कुछ भी कह जाते हो, इसलिए सियाने कहते हैं पहले सोचो तोलो फिर बोलो। और अगर मैं सोच के तोल के फिर भी यही जुमला बोलता तो फिर तुम अहमक होते। वो तो मैं हूं ना यार। बिल्कुल नहीं बदले तुम। बदल मैं गया हूं? हाँ छोड़ दो। क्या कर रही हो? आपके लिए चाय बना रही हूँ। तुम्हारे हाथ की चाय पीने से बेहतर है इंसान जहर पी ले। मुझे नहीं पीनी, जाओ। थैंक यू। पति क्या कर रहे हैं आप यहाँ? जहाज उड़ा रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा। चाय बना रहा हूँ। लाए मैं बना देती। अरे नहीं, तुम तो मेहमान हो, रेस्ट करो। मेहमान नहीं हूँ मैं, आपकी रिश्तेदार हूँ, लाए दें इधर। हाँ ये बात भी ठीक है, अब तो ये रिश्ता और भी पक्का होने वाला है। चलो प्रैक्टिस कर लो प्लीज। ऐसे सर्जन साहब जरा स्ट्रांग चाय पीते हैं, कड़वे हैं ना, और मैं जरा लाइट। और हाँ, हमारे घर में सबकी आदत अलग अलग है, तुम्हारे आने के बाद सारे काम तो तुम्हें करने पड़ेंगे और नौकरों की हो जाएगी छुट्टी। सो प्लीज बेस्ट ऑफ लक, चाय जल्दी। लाली आपको कोई काम है? अखियां हैं जब से तुझसे मिलाए, जग सारा मुझे अब देना दिखाए। हाँ एक्चुअली मेरा एक दोस्त आया हुआ, तो हम चाय पीना चाह रहे थे, अगर सहमत ना हो आपको तो। नहीं नहीं मैं बना देती हूँ। वैसे काफी अच्छी लग रही है वैसे रूप में। जी मेरा मतलब है ऐसे हेल्प करते हुए। मुझे अपनी दोस्त की तरफ से माजरत करनी थी तुमसे, क्योंकि बिना सोचे समझे वो कुछ भी कह जाता है। नहीं गलती मेरी थी, मुझे इस तरह से आपके रूम में जाना नहीं चाहिए था, गलतफहमी तो पैदा हो सकती है ना। नहीं नहीं इसमें गलतफहमी वाली कोई बात नहीं है, तारुफ कोई गलत भी नहीं किया था। मेरी मनकुआ हो तुम, रुखसती नहीं हुई तो क्या हुआ? नूर बसाएं अखियों में तेरा, कब हुआ तेरा मैं रब जाने मेरा, रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, हो गया मैं तू ही तू। इस तारुफ की आदत डालो, अब से यही तुम्हारा तारुफ होगा हमेशा के लिए।
आ रही है चाय। भाई इतनी देर लगा दी, सिर्फ चाय का कहना था, खुद बनाने खड़े हो गए थे। अरे ये बच्चा किसका, तुम्हारा तो नहीं हो सकता। अपना ही है ये, मेरी जान है ये, भांजा है मेरा, लाली का बेटा। वैसे बहुत शरीर है और किसी से घुलता मिलता नहीं है, लेकिन तुमसे बहुत मानुस हो गया। तलाल चाय बन गई, आ जाओ तेरी। लाली पहचाना इसे? मैंने तो पहचान लिया है, लेकिन मेरा ख्याल है इन्होंने मुझे नहीं पहचाना। किसी के बारे में इतनी जल्दी राय कायम नहीं करते। कुछ मामलात में मेरी याददाश्त बहुत ही अच्छी है, मुझे याद है सब जरा जरा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। बड़ी बात है, आपका जौक तो आज भी उतना ही अच्छा है जितना उस वक्त था। क्या मतलब? बाजौक आदमी कुछ बरसों के बाद बदजौक हो जाता है क्या? इसके कहने का मकसद यह है कि इंसान के वक्त के साथ साथ शौक आदतें पसंद तब्दील हो जाते। लेकिन कुछ पसंद ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ साथ बिल्कुल भी नहीं बदलती, और वक्त का पानी इस दिल की जमीन पर जितना भी बहता रहे, ये अपनी जड़ें दिल की जमीन पर मजबूत करती रहती। देखा तुम्हें लाली, कितना फलसफी हो गया ये, हालांकि कुछ अरसे पहले से फलसफे का मतलब तक नहीं आता था। और इसको देखे जरा कोई, कितने मजे से आके बैठा हुआ है ना बीच में। चलो कम ऑन, वी हैव टू गो इनसाइड। इसको यहीं रहने दे प्लीज। खामखा आप लोगों को तंग करेगा यहाँ पर। कोई तंग मंग नहीं करेगा, रहने दे उसको, खेल रहा है हमारे साथ। आप लोगों की चाय ठंडी हो रही है, ले लीजिए। आओ चाय पी। आओ भाई। आप कब आए? पता ही नहीं चलता आपके आने और जाने का। तुम्हें पता करने की क्या जरूरत है? आप जल्दी आ गए तो मुझे अम्मी क्या छोड़ाएगा? जल्दी आ गए हो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे नखरे उठाता फिरूं। अरुण को कहना वो आकर ले जाएगा तुम्हें। उसे तानिया के नाज नखरे उठाने से कहां फुर्सत मिलती है कि वो आएगा मेरे लिए। और शादी मैंने आपसे की है, मैं आपकी जिम्मेदारी हूं। भाई शादी की है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें अपने सर पे उठाए फिरूं। सर पे क्या उठाए फिरेंगे, सीधे मुंह बात कर ले, यही बहुत है मेरे लिए। मेरी बात सुनो, तुम जाके ही जो अपने दुखड़े हैं ना, अपनी नन साइमा के साथ रोया करो, जिसने तुम्हें मेरे सर पे मुसल्लत किया हुआ। मैं तो हक में ही नहीं था इस शादी के, लेके गले में तोक डाल दिया। अरे क्या हो गया है, क्यों शोर मचा रखा है तुम दोनों ने? आज की बात तो नहीं है अम्मा, ये रोज ही ऐसे करते हैं, आप तो जानती हैं। खुदा का खौफ करो सैफी, अब सबूई का क्या कसूर है? मेरा भी कोई कसूर नहीं, सारे फैसले आप लोगों ने किए हैं, मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। जब घर आओ इसकी चिक चिक सुननी पड़ती है मुझे। अरे ये बेचारी क्या चिक चिक करेगी तुम्हारे साथ, तुम्हारा अपना दिमाग ही नहीं सही रहता। इधर आओ बेटा मेरे पास। अरे किसी का गुस्सा किसी पे निकालना ये कौन सा तरीका है? इसी तरह से सब चलता रहेगा तो सुकून कैसे मिलेगा? सुकून कौन मांग रहा है अब सुकून? आप लोग ऐसा करें प्लीज, मुझे माफ कर दें, यहां से चले जाएं, अकेला छोड़ दें मुझे, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
बानो बात सुनो, वो उसके लिए आयान के लिए ना नगेट्स फ्राई कर दो नहीं पहने ना आपने नया जोड़ा, मुझे पता था। तो ये भी तो अच्छा ही लग रहा है, इसमें क्या बुराई है? लाली मैं देख रही हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से आप मेरी शादी इंजॉय कर रही हैं। कल जाकर मैं तुम्हारी माइयों के लिए जोड़ा ले लूंगी, प्रॉमिस। मेरी बात सुने, कल माइयों है, 10,000 काम में वो लग जाएंगे आप सुबह से भूल जाएंगी। बानो तुम बना देना, इधर आ जाओ तुम। सुनो कल में काम है मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी माइयों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं भूलूंगी। ये मेरा जाती मामला है और मुझे नहीं लगता है कि आपको खामखा मुदाखलत करनी चाहिए। आयान मेरा बेटा है, उसके लिए क्या सही है आपसे ज्यादा बेहतर सोच सकती हूँ मैं। सुन यारा अरे नहीं, प्लीज गिराएगा नहीं कुछ, मैं सिर्फ लाली का पूछने आया था। लाली अपने कमरे में, क्यों आपको चाय चाहिए? आपको कैसे पता? क्योंकि आप जब भी आते हैं पूछते हैं क्या हो रहा है, या तो चाय मांगते हैं। तो सबको पता है। कितने अरसे बाद आपके चेहरे पे मुस्कुराहट और चमक देखी है मैंने। हाँ मुस्तफा मेरा दोस्त, बहुत पुराना दोस्त है मेरा, उसकी कंपनी में बहुत इंजॉय करता हूँ इसलिए खुश हूँ। जो ताल्लुक दिल से जुड़े हो और मोहब्बत से, उनके आने की खुशी चेहरे पे अलग से चमकती है। चले इसी बहाने आपका जमाव तो टूटा। सही कह रही हैं आप, कुछ रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से बनते हैं, लेकिन कुछ रिश्तों के लिए मोहब्बत के साथ साथ एतबार और एतमाद की जरूरत भी पड़ती है, उनको मुस्तहकम करने के लिए। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ।
ज्यादा रख देंगे। लाली आप मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर आपने आज माइयों के लिए नया जोड़ा नहीं लिया तो मैं किसी को भी किसी किस्म की रस्म नहीं करने दूंगी। कैसी बातें कर रही हो बेटा, अल्लाह खैर करे सारी रस्में हो जाएंगी। अम्मी ये दरअसल मुझे धमकाने की कोशिश कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है अपनी तरफ से। हाँ तो मैं कर रही हूँ। बेटा हिना की बात मान लो, तुम चली जाओ बेटा जोड़ा लेने के लिए, और हाँ रोशनी को भी साथ ले जाओ। हाँ लाली हम चले चलते, मुझे दुपट्टे की बेल भी लेनी थी और मुझे कुछ बुक्स भी चाहिए। सही है, वैसे आपने देखा है अम्मी ये लड़की तो मरने मारने पे उतर आई है। आ भी सकती हूँ। क्या ख्याल है लाली, हिफ्ज़े मा तकद्दुम आफाक भाई को बुला लेते, वही ये सिचुएशन कंट्रोल कर सकते हैं। रोशनी तुम हमेशा लाली का ही साथ दिया करो। हद हो गई है। अच्छा सुनो मैं सोच रही हूँ कि तलाल तो ड्राइवर के साथ चला गया, कुरम को बोल देती हूँ ले जाए हमें। हाँ ठीक है। चलो चाय बिस्किट आ गए और किसी ने मुझे बुलाया नहीं, और तुम अपनी कुर्सी के साथ आ रहे हो। चाय देना मुझे रोशनी। ये लो। का जिक्र भी ना करो तब भी टपक पड़ता है, चलो डर डर के नाम ही नहीं लेती मैं सारा दिन। तुम्हें तो आज बुखार था, तुम्हें आराम करना चाहिए, चलो चाय पीते हैं। नहीं नहीं चाय वाय छोड़ो, चलो मेरे साथ चलो बस। किसी खास जगह जाना है क्या? अरे नहीं नहीं घूमे फिरेंगे, माजी की पुरानी यादों को ताजा करेंगे। दैट्स इट। माजी की पुरानी यादें तुम्हें आज ज्यादा तंग नहीं कर रही क्या? कम ऑन तलाल तुम लॉक करा दो इसको। और कहाँ कहाँ की खाक छान के आ रहे हो? फिरते हैं मशले मौजे हवा शहर शहर में, आवारगी की लहर है और हम हैं दोस्तों। क्या बात है, इतनी गमजदा शायरी, ठंडी सांसें, लगता है कहीं आग लगी है। दुआ बता रहे आग कहाँ मेरे दोस्त, अब तो सिर्फ धुआं ही धुआं बचा है बस। अच्छा ये बताओ माजी की यादें कहाँ बैठ के ताजा करनी? मैंने वैसे महावरतन एक जुमला कहा था, उन्हीं जगहों पर जाना जरूरी नहीं है। रफी कभी कभार कह देना अच्छा होता है, इस तरह आप और वहशत को निकलने का रास्ता मिल जाए, दिल हल्का हो जाए। सही कहते हो, अगर इस तरह और दुख को निकलने का मौका ना मिले ना तो अंदर ही अंदर बहुत तबाही मचाता है। अच्छा ये ले ले हम। स्कैरी ना, कुछ और देखते हैं। पहचाना नहीं कि याद नहीं करना चाहती। याद रखने का कोई जवाब होना चाहिए ना। कैसी हो, शादी हो गई तुम्हारी? बड़ा हो गया और प्यारा भी। लाला रुख यकीन करो, आपको इस तरह देख के जैसे वापस जिंदगी मिल गई। बहुत ख्वाहिश थी आपसे एक बार मिलने की,
मुझसे मिलने की? क्यों? अपने अंदर का गर्व और मलाल दूर करना चाहती थी जो मुझे बेचैन रखे हुए। वक्त गुजरने के बाद ना इस मलाल और इन बातों का कोई फायदा नहीं होता और ना ही उसकी कोई अहमियत रहती। सैफी भाई आज भी तुम्हें याद कर कर रोते हैं, बहुत रोते हैं। उनका वक्त जैसे वहीं पर रुक गया हो, भूले नहीं तुम्हें। मुझे यकीन भी नहीं आ रहा तानिया कि इस वक्त तुम ऐसे खड़े हो कि मुझसे ये बातें किस तरीके से कर रहे हो, कितने मजे से। You're unbelievable. Come on, leave it. Mama will buy you some other day, okay? Come on, let's go. ये भी दे दो। रोशनी, हो गई तुम्हारी शॉपिंग? हाँ, मैंने परफ्यूम लिया। मैं कह रही थी अगर तुम्हारी शॉपिंग कंप्लीट होगी तो चले। हाँ चले, आज कम आ जाए। कम ऑन मकीत। सैफी भाई आज भी तुम्हें याद कर कर रोते हैं, बहुत रोते हैं। का वक्त जैसे वहीं पर रुक गया हो, भूले नहीं तुम्हें। मैं सोच रहा था तलाल तुम कितने खुशनसीब इंसान हो, इतनी सारी मोहब्बतों में रहते हो। ऐसे अगर तुम चाहो तो ये फासले कम भी हो सकते हैं मेरे दोस्त। जानता हूं, मुझे तलाल एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, ये निकाह का नाटक करने की क्या जरूरत, सीधा सीधा रुखसती करते। तुम मेरे निकाह के इतने पीछे क्यों पड़े हो? इसलिए कि मुझसे तुम्हारी ये अज़ियत देखी नहीं जाती जो तुम खुद से सह रहे हो। तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो, तुम उस अज़ियत की फिक्र करो जो तुम अपने आप को दे रहे हो। दुनिया में लड़कियों की कमी है क्या? उस जैसी भी तो कोई नहीं है। पता है क्या, मोहब्बत में ना इंसान की आंखों में रंग उतर आता है, महबूब खुशनुमा नजर आने लगता है, हर चीज से मुनफरिद। ऐसे बड़ी बात है कि तुम जैसा इंसान मोहब्बत के बारे में कुछ बात कर रहा है। आई एम हैप्पी। तुम्हें मोहब्बत हुई नहीं लेकिन मोहब्बत के रंगों से तुम आशना हो। क्या कर रहे हो तलाल, यहाँ पे खड़े खड़े रस्म करने के लिए सब तुम्हारे इंतजार करें, चलो। मेरा रस्म से क्या ताल्लुक है, तो औरतों के काम है यार। छीबो, तुम अम्मी बुला रही हैं, चलो। आप नहीं आएंगे? मेरा वहाँ पर क्या काम, मैं किसके साथ तस्वीरें खिंचवाऊंगा? ऐसी बात नहीं है, दुल्हा दुल्हन है, इतने सारे लोग हैं, सबके साथ खिंचवाए। आपके साथ खिंचवा सकता हूँ, चले अयान के साथ ही खिंचवा लूंगा। आई
आपको पहले ही इतना सख्त टेम्परेचर है, ऊपर से आप यहाँ आकर बैठ गए, ऐसे तो और बीमार हो जाएंगे। बहुत सख्त जान हूँ मैं, ये छोटा मोटा बुखार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाज़ुकात बहुत मामूली दिखने वाली बीमारियां भर जाती हैं। खैर अल्लाह ना करे, आपने तो कुछ खाया भी नहीं है। तलाल खास ताकीद कर गया था कि आपको परहेजी खाना खिलाना है। तलाल तो एडवाइस देता रहता है, यू नो डॉक्टर्स को आदत होती है हर बीमारी पर जो है ना वो लंबी लंबी हदायत देने की। अब बुखार हुआ मुझे, कितनी ढेर सारी गोलियां दे गया। आप बताएं, ये रंग बिरंगी गोलियां जो हैं हर बीमारी का इलाज कर सकती? खैर आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ गार्डन में कुछ बेहतर फील कर रहा हूँ, फ्रेश फील कर रहा हूँ। चलें जैसे आपकी मर्जी, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ आपके लिए। लाला, आई मीन लाला रुख, तकल्लुफ रहने दें, मैं तलाल आएगा तो उसके साथ ही खाऊंगा। ठीक है, हो सके तो अयान को मेरे पास भेज दें, खुर्रम भी नहीं है ना तो बोरियत हो रही है। ठीक है, आप अगर माइंड ना करें तो एक बात पूछूं आपसे। अब आप तकल्लुफ कर रहे हैं, पूछिए। आप अयान के साथ यहां रह रही हैं? हाँ, वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो हैं वो बाहर के मुल्क होते हैं तो इसलिए लोग यहीं पर रहते हैं। तो आप दोनों को भी तो उनके साथ ही होना चाहिए ना, आई मीन इस तरह तो अयान निग्लेक्ट हो रहा है। एक्सक्यूज मी, ये मेरा जाती मामला है और मुझे नहीं लगता है कि आपको खामखा मुदाखलत करनी चाहिए इसमें। अयान मेरा बेटा है, उसके लिए क्या सही है आपसे ज्यादा बेहतर सोच सकती हूँ मैं। बस एक ही बात का ताना देते रहते हैं कि सायमा आपा ने तुम्हें मेरे सर पे मुसल्लत कर दिया। वैसे आप, आपको पता था कि वो उस शादी से खुश नहीं है, तो आपने क्यों मुझे और इन्हें इस बंधन में बांधा? अरे ऐसे ही कहता है, गुस्से में तो इंसान का दिमाग वैसे भी काम नहीं करता। तुम क्यों हर बात अपने दिल पे ले रही हो सुबुई? गुस्से में मर्द गुस्सा करे ना, नफरत का इजहार क्यों करता है? बात सुनो, ये नफरत और मोहब्बत सब किताबी बातें होती हैं। मर्द जब शौहर बन जाता है ना, उसकी मोहब्बत नफरत एक जैसी होती है, कोई मायने तलाश करने की जरूरत नहीं है इसमें। तुम भी ना कुछ ज्यादा ही एहसास हो गई हो, अपने दिमाग को खोलो और इतने तंग जहन से मत सोचा करो सुबुही। तो आप और दानी ऐसी जिंदगी क्यों नहीं गुजार? मसूद भाई और हारून भाई भी तो मर्द है ना, नफरत का इजहार तो नहीं करते। अरे कहाँ जा रही हो तुम? अम्मी के पास जा रही हूँ, आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं। आप अपने भाई की हिमायत नहीं, उसे गलत क्यों कहेंगे? तो खफा हो गई सुबुही, इतने दिनों के बाद मेरे घर आई हो, मसूद आने वाले, खाना खा कर जाना ना, बल्कि मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊंगी। अब तुम कहाँ जाओगी अपनी अम्मी की तरफ? अब देखो होता यह कि छोटी छोटी बातें ना बड़ी होकर बड़ा मसला बना देती हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं माँ की तरफ जाती हूँ, मैं सैफी को समझाऊंगी। तुम अपना दिल छोटा नहीं करो सुबुही, प्लीज। मैं खाना नहीं खाऊंगी, आप चाय दे दें बस मैं निकलूँ। अरे ऐसे कैसे निकलूंगी, खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। देखो मैं सैफी को समझाऊंगी, देखती हूँ कैसे तुम्हें प्यार नहीं जताता। आओ, अच्छा इधर आओ ना, इधर बैठो। अब देखो ना सुबुही, तुम थोड़ा सा अब ध्यान दिया करो अपने पहनने ओढ़ने पे। अब शक्ल सूरत तो अल्लाह की देन है, लेकिन थोड़ा बहुत बन संवर के तो इंसान ठीक ठाक लग सकता है ना। देखो सुबुही, मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, मेरा मतलब तुम्हारी बेइज्जती करना या तुम्हें कमतर समझना नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ समझा रही हूँ। अब तुम तानिया को ही देखो, इतनी खूबसूरत है और इतना सलीका है उसमें, अब ऐसे ही थोड़ा ही हारून उसके आगे पीछे फिरता है। और लड़कियों में खुद भी तो कुछ अकल होनी चाहिए ना कि शौहर को क्या पसंद है और क्या नहीं, तुम तो समझती हो ना ये बातें। तो वो मेरी तरफ देखते ही कब है, सारा दिन बाहर रहते हैं, रात को आते हैं तो फोन या लैपटॉप में लग जाते हैं। आप बस शायद है, मैं जाऊंगी। पता है सुबुई, माँ तुमसे बहुत खुश है। अब देखो यही तुम्हारी जीत हुई ना,
कोई सास भी भला बहू से खुश होती कभी? पता है वो लाला रुख की तो कभी तारीफ नहीं की उन्होंने। लो मसूद भी आ गए, देखो खाना खा के जाना। हाँ इतने दिनों के बाद आई, वो भी खुश हो जाएंगे कि तुम आई हो। आई वालेकुम अस्सलाम मुस्तफा भाई, आप तो बड़े दिनों के बाद नजर आए हैं, कहाँ थे आप? पहचान लिया आपने माशाल्लाह। अब इतना भी हाफिजा हमारा कमजोर नहीं है मुस्तफा भाई कि बंदे की शक्ल देख के ही भूल जाए, आप तो फिर भी हमारे पुराने ग्राहक हैं। ये बच्चा आपका? माशाल्लाह माशाल्लाह। तलाल भाई तो कभी कभी फिर भी आते थे, आप तो बिल्कुल ही गायब हो गए। मैं बाहर चला गया था, अभी लौटा हूँ पुरानी यादें ताजा करने के लिए। मुस्तफा भाई यादें इंसान का पीछा नहीं छोड़ती हैं। हाँ जैसे कि आपका पान, मुझे अभी तक याद है, भूला नहीं हूं मैं। सही कह रहे। ये ले मुस्तफा भाई। बहुत शुक्रिया। कहाँ कहाँ मैं जवाब देती फिरूंगी सैफ, अब मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा आपने तो। मेरी जिंदगी को खार तार बना दिया है। अब किन किन नजरों और जुमलों का मैं सारी जिंदगी बोझ उठाती फिरूंगी। मैंने तो पहचान लिया, लेकिन मेरा ख्याल है इन्होंने मुझे नहीं पहचाना। किसी के बारे में इतनी जल्दी राय कायम नहीं करते। कुछ मामलात में मेरी याददाश्त बहुत ही अच्छी है, मुझे याद है सब जरा जरा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। बड़ी बात है, आपका जौक तो आज भी उतना ही अच्छा है जितना उस वक्त था। आप नहीं आएंगे? मेरा वहां पर क्या काम, मैं किसके साथ तस्वीरें खिंचवाऊंगा? ऐसी बात नहीं है, दुल्हा दुल्हन है, इतने सारे लोग हैं, सबके साथ खिंचवाए। आपके साथ खिंचवा सकता हूं। वो मैं नहीं पहन सकती, उस सेट का एक बुंदा खो गया है। क्या खो गया? मतलब कब कहां कैसे, कोई ख्याल ही नहीं है? वैसे मैं कोई गिरी हुई चीज उठाता नहीं हूं, चाहे जितनी भी कीमती क्यों ना, पता नहीं इसे कैसे संभाल लिया। पुराने जख्म? तुम्हारे कौन से जख्म है पुराने? होते हैं कुछ जख्म जो एक पल के लिए भी सुकून नहीं लेने देते। नहीं नहीं हरगिज़ नहीं। तुम ऐसे करो, मुझे बताओ उसका अता, बताओ नाम, बताओ उसका, मैं बात करता हूं। लाला रुख।